नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बात करने वाले हैं रिलायंस नेवल और स्वान एनर्जी से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आती हुई देखने को मिली है। रिलायंस नेवल में लगातार जो है अपर सर्किट लग रहा है, आज भी अपर सर्किट लगा है। स्वान एनर्जी भी लगातार चल रहा है, आज भी 8 से 10% की तेजी इंट्राडे में बनी है। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, आप चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का जरूर प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, कई दिनों से खबरें चल रही थी और आज के दिन फाइनली स्ट्रेटजिक बोली के लिए यहाँ विनर अनाउंस हो गए हैं। एसपीवी के जरिए रिलायंस नेवल का अधिग्रहण करेगी स्वान एनर्जी। आगे आप देख सकते हैं हेजल मर्केंटाइल के साथ एसपीवी यानी स्पेशल पर्पज व्हीकल में स्ट्रेटजिक साझेदार, ये कंपनी साझेदार बनते हुए देखने को मिलेगी। एसपीवी के जरिए रिलायंस नेवल का अधिग्रहण करेगी। इस खबर के चलते आज दोनों स्टॉक में तेजी बनी, स्वान एनर्जी में और साथ ही रिलायंस नेवल में। देखिए स्वान एनर्जी करती क्या है वो आपको दिखा दूं। स्वान एनर्जी लिमिटेड इज एन इमर्जिंग ग्रीन एनर्जी कंपनी विद ए सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड टेक्सटाइल टू। तो ये तीन सेक्टर में कंपनी काम करती है, टेक्सटाइल में, ग्रीन एनर्जी में और इंफ्रा प्रोजेक्ट में। उसके अलावा स्वान एनर्जी के आपको फाइनेंशियल अगर मैं दिखाऊं तो देखिए 3700 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। बुक वैल्यू बढ़िया है जो कि 57 की, उसकी तुलना में 2.5 का पीवी का रेशियो यानी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 2.5 आपको देखने को मिल रहा है। सेक्टर का पी करीब 24 का है, स्टॉक की फेस वैल्यू 1 की है। तो देखिए कंपनी का पिछले 5 क्वार्टर्स का अगर रेवेन्यू दिखाऊं आपको सितंबर 20 से लेकर सितंबर 21 में, आप देख सकते हैं रेवेन्यू कंपनी का सितंबर से लेकर मार्च 21 तक लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा यहाँ रेवेन्यू लॉस हुआ, उसके बाद फिर से आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे मेंटेनेंस ग्रोथ की जो है परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। लेकिन उसके अलावा बढ़िया रेवेन्यू के बाद भी आप देखेंगे कंपनी लगातार घाटा ही पोस्ट कर रही है। फिलहाल कंपनी ने सितंबर 2021 के नंबर देखेंगे 37 करोड़ का लॉस किया, जो कि 8 करोड़ का लॉस सितंबर 2020 में था, और जून के क्वार्टर में भी करीब 39 करोड़ का लॉस ऑलरेडी कंपनी कर चुकी है। दिसंबर 2020 में सिर्फ 1 बार कंपनी पॉजिटिव आते हुए देखने को मिली थी। देखिए स्वान एनर्जी का डेली चार्ट मैंने ओपन किया है, डेली चार्ट पे स्टॉक जो है एक रेंज में फंसा हुआ है, 125 से लेकर 150 की रेंज में लगातार स्टॉक फंसे हुए देखने को मिल रहा है, जो कि आप क्लियरली स्क्रीन पे देख सकते हैं। और आज के दिन 150 के ऊपर स्टॉक ने बंदी दी है, इससे पहले कभी भी 150 के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग नहीं दी थी। 150 के ऊपर जितना स्टॉक टिका रहेगा, जितना ज़्यादा समय टिका रहेगा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस बनेंगे, और अगला टारगेट करीब करीब 165 से लेकर 175 की रेंज का यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा रिलायंस नेवल का अगर चार्ट देखेंगे तो देखिए पिछले दिनों से लगातार स्टॉक में सर्किट देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा अपसाइड मोमेंटम स्टॉक दिखा रहा है। देखते हैं स्टॉक के लिए कैसा ये जो है स्ट्रैटेजिक डील होने वाली कैसी रहती है। बाकी स्टॉक 4 रुपये के ऊपर निकलने की पूरी तैयारी कर चुका है, आगे आने वाले दिनों में लगातार यहाँ पे आपको 5-7 सर्किट्स और देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों में से कोई आपने बाय कर रखा है क्या, आप इन्हें मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।